महाराष्ट्र में जब से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी है तब से किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ रहा है। कभी मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर नेता आमने सामने रहते हैं तो कभी तीखी बयानबाजी को लेकर। महागठबंधन के नेताओं में आए इस मनमुटाव को दूर करने के लिए अब सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है उद्धव का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में महागठबंधन के बीच तालमेल बैठाना सीएम उद्धव के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर जब से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है तब से दो पद की चाह में नेता एक दूसरे पर बरसने से बाज नहीं आ रहे हैं। नेताओं के बीच जारी खटपट सरकार को समस्याओं की ओर ले जा रही है, जिसे भांपते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ठाकरे नेताओं में तालमेल बिठाने के लिए महाविकास अघाड़ी समन्वय समिति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ये समिति गठबंधन के नेताओं को एक करने की कोशिश करेगी। इसमें तीनों दलों के प्रमुख मंत्रियों को भी रखा जाएगा। अगर किसी में कोई मतभेद होगा तो उसका भी निपटारा किया जाएगा। दरअसल सीएम ठाकरे ने ये फैसला कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री बने एक नेता के दर्द जाहिर करने के बाद लिया है। सूत्रों के मुताबिक एक मंत्री ने कहा था कि मंत्रिमंडल में हर नेता अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करता है और कोई निर्देश देता है तो डिप्टी सीएम और सीएम उसे पलट देते हैं। इस बयान से साफ था कि महागठबंधन के लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। पहले ही अजीत पवार के एक फैसले और संजय राउत के बयान से कांग्रेस खफा चल रही है। पार्टी नेताओं को लग रहा है कि सरकार में कोई भी फैसला उनसे पूछकर नहीं लिया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के नेता सीएम उद्धव से खफा चल रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने सबकी नाराजगी को दूर करने के लिए महाविकास अघाड़ी समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। अब देखना होगा कि उनके इस कदम के बाद क्या फिर तीनों दल करीब आ पाएंगे या फिर ये मनमुटाव महागठबंधन पर यूं ही परेशानी खड़ी करता रहेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।